भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से सन 1991 में एक नई औद्योगिक नीति घोषित की गई है, और इसका जो है वो बड़े स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर जो है इस पे से अनेक नियंत्रण हटा लिए गए थे। इस नीति को बनाने के प्रमुख उद्देश्य ये थे कि अब तक जो लाभ प्राप्त किए गए हैं उन्हें और अधिक बढ़ाना, तो जो लाभ मिल रहा है उन्हें बढ़ाना और साथ ही बनाए रखने के साथ साथ उन्हें और अधिक बढ़ाना। इसके बाद दूसरा इसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो है कि उद्योगों की जो कमियां हैं और उनमें जो विकृतियां हैं उनमें सुधार लाना। इसके साथ ही साथ जो उत्पादन वृद्धि, उत्पादन में मतलब जितने भी उद्योग हैं उनमें जो उत्पादन में वृद्धि है उनमें निरंतरता को बनाए रखना, और देश के लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार के अधिक अवसर विकसित करना। साथ ही साथ उत्पादन जो हो रहा है देश में उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसे शामिल करने के योग्य बनाना। ये जो नई औद्योगिक नीति 1991 में बनाई गई थी, इस नीति में कुछ उपाय किए गए थे इसके लिए औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए, जिसमें प्रमुख था औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त किया गया। साथ ही साथ जो विदेशी तकनीकी है उसका निःशुल्क प्रवेश कराया गया देश में, और नेक्स्ट था विदेशी सीधा निवेश FDI को प्रोत्साहन दिया गया। चौथा खुला व्यापार, इसे भी प्रोत्साहन दिया गया या खुली छूट दी गई, और पूंजी निवेश की सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब इस औद्योगिक नीति के जो प्रमुख या मुख्य लक्ष्य थे, पहला उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। मतलब उदारीकरण के माध्यम से, निजीकरण के माध्यम से और वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से देश में औद्योगिक विकास को और अधिक प्रोत्साहन देने की बात की गई थी। तो जो उदारीकरण है, उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, इस उदारीकरण के प्रमुख जो उपाय थे, घोषित उपाय की हम बात करें तो ये थे प्रमुख। पहला, जिसमें औद्योगिक लाइसेंसों को समाप्त कर दिया गया, विदेशी प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवेश दिया गया, प्रत्यक्ष विदेश निवेश नीति को अपनाया गया, पूंजी बाजार की सुलभता की गई, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया, और चरणबद्ध जो विनिर्माण कार्यक्रम है उनको समाप्त किया गया, और साथ ही साथ औद्योगिक स्थानीयकरण कार्यक्रमों में उदारता को अपनाया गया। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत जो प्रमुख था उसमें सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरण के दृष्टि से जो संवेदनशील उद्योग हैं उनमें पहले जो 6 उद्योग शामिल थे, उन 6 जो पहले उद्योग शामिल थे उस सूची में शामिल 6 उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी जो वस्तुओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अब उसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ सन 1956 से जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या को 17 से घटाकर 4 कर दिया गया है। सुरक्षित उद्योगों की सूची में परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा विभाग की सूची में दिखाए पदार्थ और रेल परिवहन जो है वो शामिल हैं, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी शेयरों को भी कम किया गया है। दूसरी जो इसकी व्यवस्था अपनाई गई थी वो था निजीकरण, या हम जिसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। सन 1956 में जो औद्योगिक नीति बनाई गई थी उसमें सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, लेकिन सन 1961 में जो 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे जिनका निवेश 29 करोड़ रुपए का था, वो मार्च सन 2000 तक इन उद्यमों की संख्या बढ़कर 240 हो गई, और इसमें निवेश भी जो है वो बढ़कर 2,52,554 करोड़ रुपए का हो गया। अब जो नई औद्योगिक नीति बनाई गई है 1991 में, उसमें निजीकरण को बहुत ज्यादा बल दिया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र को सुधारने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र के जो उद्यम हैं उनमें सरकारी नीति के प्रमुख तत्व जो हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला
सार्वजनिक क्षेत्र के सभी गैर सार्मिक सामरिक उद्यमों में सरकारी शेयर, मतलब जो उनमें सरकार की वित्तीय भागीदारी होती है, उसको 26% और उससे भी कम करना। दूसरा, भविष्य में सफल हो सकने वाले जो उद्यम हैं, उनकी पुनर्संरचना और पुनर्जीवन के लिए उपाय करना। साथ ही जो उद्योग बीमार चल रहे हैं, उन बीमार उद्योगों को बंद करना और कामगारों या श्रमिकों के हितों की पूरी पूरी रक्षा करना। पहले बहुत से उद्योग जो थे वो सार्वजनिक क्षेत्र में सूचीबद्ध थे, उनमें से बहुत से जो उद्योग हैं उनकी मान्यता समाप्त की गई है। 1956 का जो औद्योगिक प्रस्ताव था उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 17 उद्योगों को सुरक्षित कर दिया गया था, लेकिन अब केवल 4 श्रेणी के उद्योगों को ही सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है। अन्य उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है और अन्य उद्योगों को भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। यही नहीं, अब तो सैनिक साज सामान बनाने वाले जो उद्योग हैं उनको भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 26% तक हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो सुरक्षित उद्योग हैं उन्हें विवेक के आधार पर भागीदारी के लिए निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित किया जा सकता है। इस निजीकरण का प्रमुख उद्देश्य, हम कह सकते हैं, जो घरेलू और बहुराष्ट्रीय निगम हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, उनको निवेश के लिए अपनी तरफ या अपने देश में आकर्षित करना है। और जो नए क्षेत्र हैं जैसे खनन है, बैंक हो गया, दूर संचार के क्षेत्र में, नेशनल हाईवेज जो होते हैं, महामार्ग निर्माण में और प्रबंधन के क्षेत्र में निजी कंपनियों को उसके लिए खोल दिया गया है। लेकिन जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां या मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो निजीकरण में दी गई सुविधाओं का अब अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसका एक माइनस पॉइंट है। फिर जो 1991 की औद्योगिक नीति, जिसमें हमने कहा औद्योगिक विकास के लिए जो तीसरा प्रयास किया गया था, तीसरे प्रयास के माध्यम से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई, उसमें है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, या हम जिसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य होता है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है, इस देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ उसको एकीकृत करना, या हम ये कहें कि उसे मिलाना। इस वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत जो पूंजी है, पूंजी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं या हम सेवाओं की बात करें, साथ ही साथ संसाधन और श्रमिक, इन सभी का एक देश से दूसरे देश की तरफ जो स्वतंत्रता पूर्वक हम आवागमन कर सकते हैं या आयात निर्यात किया जा सकता है। इस वैश्वीकरण का मुख्य जोर जो है वो घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना होता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम इसे कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, इस पॉइंट्स के माध्यम से, जो अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए विदेशी कंपनियों को सुविधाएं देना, ताकि वे भारत के जो विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उनमें निवेश कर सकें। साथ ही दूसरा, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो प्रवेश में आने वाली बाधाएं हैं या प्रतिबंध जो हैं उन्हें हटाना। तीसरा, भारतीय कंपनियों को भारत में विदेशी सहयोग की अनुमति देना और उन्हें विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रभावशाली उदार आयात कार्यक्रमों को लागू करना, इसके लिए सबसे पहले जो मात्रात्मक प्रतिबंध हैं उनके स्थान पर टैरिफ्स पद्धति को लागू करना, और इसके बाद शुल्क को भी बहुत हद तक घटाना या नहीं रखना। इसके बाद निर्यात प्रोत्साहन के स्थान पर निर्यात बढ़ाने के लिए विनिमय दरों के समायोजन को स्वीकार करना। यूं तो हम कहें तो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है या इसकी जो प्रक्रिया है वो 80 के दशक में ही शुरू हो गई थी, जब जो विदेशी निवेशक हैं उन्हें अनेक प्रकार की टैक्स में या अलग अलग चीजों में छूट दी जाने लगी थी।
लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिरक्षा सहित अनेक ऐसे क्षेत्रों में निवेश की स्वीकृति दी जाने लगी जो पहले नहीं दी जाती थी। अब उन्हें इस क्षेत्र में खुली छूट दी जाने लगी है। कुछ विशेष क्षेत्र ही हैं जिन्हें छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में लाइसेंस पद्धति को अब समाप्त कर दिया गया है और आयात को और लिबरल बनाया गया है, या हम कहें कि और अधिक उदार बनाया गया है। और लेकिन यदि हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन है या वैश्वीकरण है, उसको वास्तविक गति तभी मिली जब जुलाई 1991 में केंद्र सरकार ने नई आर्थिक नीति को अपनाया और तब से लेकर ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की दिशा में बहुत कुछ निश्चित कदम उठाए गए हैं। और ये भारतीय रुपये को चालू खाते का पूरी तरह से परिवर्तनीय भी बना दिया गया है। तो ये कुछ नई औद्योगिक नीति 1991 के कुछ प्रभाव थे जिसके माध्यम से देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया है। यदि हम ओवरऑल में बात करें, इसके जो प्रमुख 6 तथ्य हैं जिसके माध्यम से औद्योगिक विकास को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला है, चाहे हम उदारीकरण के माध्यम से बात करें, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के माध्यम से बात करें, या निजीकरण के माध्यम से, इन सभी क्षेत्रों में के माध्यम से यह कोशिश की गई है कि इन 6 जो प्रमुख चीजें हैं उन्हें अपनाकर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला है, जिसमें सुरक्षा, सामरिक या पर्यावरण से जुड़े 6 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। हमने बात की निजीकरण के अंतर्गत सरकारी सेक्टर के लिए जो सुरक्षित उद्योग थे उनकी संख्या पहले 17 थी, जिसे घटाकर 4 कर दिया गया है, और इस प्रकार 13 उद्योगों के लिए जो निजी क्षेत्र के दरवाजे हैं उसे सरकार ने खोल दिए हैं। केवल परमाणु शक्ति और रेलवे से जुड़े उद्योग ही सरकारी क्षेत्र में बने रहे। तीसरा चीज है इसमें कि किसी भी उद्योग में जो पूंजी निवेश की सीमा है, पहले उसकी एक लिमिट थी जिसे अब समाप्त कर दिया गया है और इसके लिए लाइसेंस और पूर्व अनुमति की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। मतलब भाई इसके लिए किसी प्रकार के परमिशन की भी आवश्यकता नहीं है और लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं है। FDI को मान्यता प्रदान की गई है, इससे भारतीय उद्योगों में जो विदेशी निवेश हैं उनके दरवाजे खुल गए हैं। नेक्स्ट है, नई नीति में घरेलू और बहुराष्ट्रीय दोनों ही जो पूंजी निवेशक हैं उनको आकर्षित करने के लिए उदारता दिखाई गई है और FDI का उपयोग घरेलू उपकरणों, वित्त, सेवा और के साथ साथ खाद्य और दुग्ध उत्पादन में भी किया जाने लगा है। तो ये प्रमुख बातें थी नई औद्योगिक नीति की, जिसके माध्यम से हमारे देश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया गया है और हमारे देश के औद्योगिक विकास को और अधिक बढ़ावा दिए जाने की कोशिश की गई है। बच्चों, आप जिस घर में रहते हैं या मैं कहूं कि जिस पाठशाला में आप पढ़ने जाते हैं, तो क्या आपको पता है कि वो बिल्डिंग जितने भी प्रकार के मटेरियल से बना हुआ है, या उस बिल्डिंग को, भवन को बनाने में जिस जिस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, उन सभी में से एक अनिवार्य और आवश्यक मटेरियल जो हम कहते हैं वो है सीमेंट। क्योंकि जिस ईंट पर वो भवन खड़ा है उसे जोड़ने के लिए, उसकी छबाई के लिए सीमेंट जो है वो अनिवार्य है। और भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे आप अपने घर में पौधे लगाते हैं तो जिस गमले में आप पौधे लगाते हैं वो भी सीमेंट का बना हुआ होता है, या उससे कई प्रकार के प्लेट्स बनाए जाते हैं, जैसे कोई खुली हुई चीज़ है, नाली है, या हम कह सकते हैं उसे ढक्कन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही सीमेंट के बहुत सारे उपयोग हैं। तो आइए आज हम जानते हैं इसी सीमेंट के विषय पर कि हमारे भारत में ये सीमेंट उद्योग जो है ये कब से स्थापित किया गया, इसका विकास कैसे हुआ और कहां कहां पर इसका उत्पादन किया जाता है, और इसके वितरण के विषय पर। तो बच्चों, हम अपने देश में देखें तो सबसे पहले हम सीमेंट उद्योग की बात करें कि कहां से शुरुआत हुई।
तो सन 1904 में प्रथम जो सीमेंट उद्योग खोलने का जो प्रयास किया गया था वो 1904 में किया गया, जो सीपी के माध्यम से, जिसमें सीमेंट उस समय सीपी के माध्यम से बनाया गया और ये चेन्नई में स्थापित किया गया। लेकिन ये कारखाना उतना सफल नहीं रहा, तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि प्रथम सफल जो कारखाना है ये आपके लगभग 1912-13 में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड ने स्थापित की। और किस स्थान पर स्थापित किया गया इसे, तो पोरबंदर नामक स्थान पर, गुजरात के पोरबंदर पर स्थापित किया गया। तो 1912-13 में ये जो सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया, इसे ही हम भारत का प्रथम सफल सीमेंट उद्योग कह सकते हैं। अब हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भारत का जो सीमेंट उद्योग है वो चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। हाँ, यदि हम कितने उद्योग जो हैं, चाहे वो वृहद पैमाने का हो या लघु पैमाने के सीमेंट उद्योग की बात करें, तो पूरे भारत देश में लगभग 173 वृहद पैमाने के सीमेंट उद्योग जो हैं वो कार्य कर रहे हैं या उनके द्वारा जो है उत्पादन का कार्य किया जा रहा है, और लघु पैमाने के 350 सीमेंट कारखाने या सीमेंट संयंत्र जो है वो सीमेंट उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। इस उद्योग में देश के लगभग 1.5 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से और लगभग 1.2 लाख व्यक्तियों को परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त है। सीमेंट उद्योग में कोई भी उद्योग हो, श्रम की आवश्यकता तो होती ही है। और दूसरी चीज़, सीमेंट उद्योग के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल हम कह सकते हैं वो हमें पता ही है, चूना पत्थर। तो जहाँ कहीं भी चूना पत्थर का खनन कार्य किया जा रहा है, चूना पत्थर का उत्पादन हो रहा है, वो भी तो लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। अब ये तो हो गई कि कितने लोगों को इस उद्योग के माध्यम से रोजगार मिला है। अब हम इसके वितरण की बात कर लेते हैं कि पूरे भारत में इस सीमेंट उद्योग का वितरण कहाँ कहाँ पर है या किन किन स्थानों पर सीमेंट के उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। भारत में जब हम इसके वितरण की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसके आसपास ही पूरे सीमेंट उद्योग का वितरण या हम कहें केंद्रीकरण, संकेंद्रण जो है वो देखने को मिलता है। और इसका प्रमुख कारण कि यहाँ पर चूना पत्थर की उपलब्धता है, बड़ी संख्या में या बड़ी मात्रा में यहाँ पर इस क्षेत्र में चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है। और हमें पता है कि इस सीमेंट उद्योग में जो चूना पत्थर उपयोग किया जा रहा है ये बहुत ही भारी होता है, तो कोशिश यह की जाती है कि इस उद्योग की जो स्थापना है वो कच्चे माल के सोर्स के निकट ही की जाए। तो इसी कारण पूरी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर बड़ी मात्रा में चूना पत्थर जो है वो उपलब्ध है, और इसी कारण पूरा सीमेंट उद्योग का केंद्रीकरण भी हमें इसी क्षेत्र के आसपास ही देखने को मिलता है। अब इस श्रृंखला को हम कह सकते हैं कि ये पूर्वी राजस्थान से लेकर झारखंड तक विस्तृत है। यह जो श्रृंखला है, देश का जो 84% सीमेंट का उत्पादन है या हम कहें कि सीमेंट का कारखाना और लगभग 75% जो प्रोडक्शन है उत्पादन, मतलब 84% जो सीमेंट संयंत्र लगे हुए हैं वो, और 75% जो प्रोडक्शन होता है सीमेंट का जो उत्पादन होता है, ये पूरी तरह से आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसके बाद हम देख लें तमिलनाडु, कर्नाटक और साथ ही साथ राजस्थान और गुजरात, इतने ही क्षेत्रों में पूरे देश का 75% जो है सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। हाँ, भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य जो हैं वो तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक
आंध्र प्रदेश। इसमें हम बात कर लेते हैं जो 84% सीमेंट के जो कारखाने हैं और 75% उत्पादन क्षमता। हमने देखा था कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और बिहार में है। तो इन सब में जो सीमेंट उत्पादन का वितरण हम कहें या उद्योगों के वितरण की बात करें तो कुछ इस प्रकार है। पहला, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, ये दोनों राज्यों की संयुक्त उत्पादन क्षमता तथा जो उत्पादक देश के अन्य सभी राज्य से अधिक है। ये दोनों ही राज्य भारत की लगभग 24% उत्पादन क्षमता है और लगभग 22.5% सीमेंट का उत्पादन करते हैं। यहाँ लगभग 14 सीमेंट प्लांट कार्य कर रहे हैं दोनों राज्यों को मिलाकर, और यहाँ पर प्रमुख या मुख्य उत्पादन जो केंद्र हैं मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में, वो प्रमुख हैं। आप मानचित्र पर देख पा रहे हैं, सतना, कैमूर, कटनी, मंधार, गोपालनगर, दुर्ग, अकलतरा, जामुल, बनमोर, जाबत और नयागांव। और इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में कई प्लांट जो हैं वो अभी भी निर्माणाधीन हैं। दूसरा हम देखते हैं आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। लगभग 10.7% क्षमता है इन दोनों ही राज्यों की और 18% सीमेंट का वास्तविक उत्पादन जो है वो आंध्र प्रदेश करता है, और 18% वास्तविक उत्पादन करके भारत का ये दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पर कुल 18 प्लांट हैं, जिसमें से अधिकांश जो है वो तेलंगाना प्रदेश में है। लगभग 7,00,000 टन उत्पादन क्षमता के साथ पेडडा पल्ली सबसे बड़ा प्लांट है, और अन्य प्रमुख उत्पादन केंद्र में जो कृष्णा, करीमनगर, सीमेंट नगर, विजयवाड़ा, पेनियोन, गुंटूर और मसूलीपट्टनम, ये प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला हम देखते हैं राजस्थान। भारत का लगभग 11% सीमेंट का उत्पादन करके राजस्थान जो है वो देश का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ अधिकांश उत्पादक केंद्र अरावली पर्वत श्रेणी के आसपास ही हैं, क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस राज्य में कुल 10 बड़े प्लांट हैं जो सीमेंट का उत्पादन करते हैं, और मुख्य केंद्र सवाई माधोपुर, लखेरी, चित्तौड़, उदयपुर और सिरोही हैं। अकेले सवाई माधोपुर पर जो प्लांट स्थित है उसकी उत्पादन क्षमता 8.5 लाख टन की है, और यह इस राज्य का सबसे बड़ा प्लांट भी है। इन राज्यों के अतिरिक्त गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक का भी प्रमुख योगदान है सीमेंट के उत्पादन में। इस उद्योग की प्रमुख समस्याओं की हम बात करें तो पहला है कि सीमेंट एक सस्ता और भारी पदार्थ है, जिसके परिवहन की जो लागत है वो बहुत अधिक आती है, इसलिए इसे बहुत अधिक दूरी तक स्थापित नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बाजार से दूर जो कच्चे माल के पास होते हैं, वहीं पर कच्चे माल की निकटता के कारण ही उन्हें वहां पर स्थापित किया जाता है। दूसरा, इसके उत्पादन में भी लागत जो है वो बहुत अधिक आती है, इसलिए इसके हमेशा महंगे होने की संभावना बनी रहती है। तीसरा, इस उद्योग की सबसे बड़ी समस्या इन प्लांटों का क्षमता के अनुरूप उत्पादन का ना होना है। भारत में वर्तमान समय में हम देखें तो सीमेंट की 92 बड़ी और 184 लघु इकाइयां जो है उनके द्वारा उत्पादन का कार्य किया जा रहा है।